सबसे पहले तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, जो इतनी सी गलती की वजह से चैनल डीमोनेटाइज हो गया। आप वो गलती तो नहीं कर रहे हो, पहले आप स्क्रीनशॉट देखो। एक ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये एक भाई है जिनका चैनल अभी कुछ समय पहले मोनेटाइज हुआ था और अब डीमोनेटाइज हो चुका है। मेरे पास कॉल करके बोले भाई मेरा चैनल सही कर दो, चलो मैं इनका भी सही कर दूंगा। अब एक ये स्क्रीनशॉट देखो आप, इन भाई का क्या है, इन्होंने 2 महीने पहले अपना चैनल मोनेटाइज किया था और फिर से अब इनका चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। अब एक ये स्क्रीनशॉट देखो आप, इन्होंने भी इसी तरीके से कुछ गलतियां की थी, जैसे सभी लोग गलतियां कर रहे हैं वैसे इन्होंने भी गलती की थी, जिसकी वजह से इनका भी चैनल डीमोनेटाइज हो गया। एक ये स्क्रीनशॉट देखो, इन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां कर दी अपने चैनल पे, जो तीन लोगों ने मिलकर की थी गलती वो उन्होंने अकेले कर दी, इनका भी चैनल डीमोनेटाइज हो गया। आप तो गलती नहीं कर रहे हो, अब क्या गलतियां हैं वो मैं आज की इस वीडियो बताऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करो, अपने कम्युनिटी टैब पर डालो, जिससे और भी लोगों को भला हो सके जो गलतियां कर रहे हैं, गलतियां ना करें। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी ज्यादातर लोग फेक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो रहा है, ठीक है। बोलते हैं इसका वीडियो डाल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हो जाएगा सब कुछ। नहीं होता है भाई, नहीं होता है। जो मैं तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करना, कभी भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी आपके चैनल पर, ना तो रिव्यूज कंटेंट आएगा, ना चैनल डीमोनेटाइज होगा, ना किसी और तरीके की प्रॉब्लम आपके चैनल पर क्रिएट होगी, ठीक है। अब इन चार लोगों ने किया क्या था, सबसे पहली चीज तो मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, किसी का भी वीडियो, ठीक है, शॉर्ट हो लॉन्ग हो कुछ भी हो, उठाकर एज इट इज डाल दिया अपने चैनल पर, और कहीं भी अपनी वैल्यू, मतलब जो अपनी एक वैल्यू होती, मान लीजिए कि हमने किसी का वीडियो उठाया, ठीक है, वीडियो उठाने के बाद में वहां क्या करना होता है कि हमें भी अपना कुछ ऐड करना पड़ता है। कुछ का मतलब है 70% हमारा कंटेंट होना चाहिए, 30% हमने किसी का भी क्लिप यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। बस सामने वाले बंदे को दिक्कत ना हो, वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि देखो सामने वाले वीडियो यूज करोगे उसके में शो करेगा, उसका भी तरीका होता है। अगर आप उसका वीडियो यूज कर रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है वीडियो यूज करने का, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो तरीका क्या है, किस तरीके से अगर आप दूसरे का वीडियो यूज करते हो तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है। वो तरीका मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो, ठीक है, वो भी बताऊंगा। अब आप देखो जो रिव्यूज कंटेंट आता है ना, वो मालूम है क्यों आता है, क्योंकि आप दूसरों का वीडियो उठा उठाकर डालते हो, ठीक है, कहीं से डाल दिया, किसी का डाल दिया, कुछ डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो YouTube को पता चल जाता है आज YouTube वो YouTube नहीं रहा है जो आज कुछ समय पहले रहता था, जो आप टेक्निकल जो मिशन इंडियन हैकर है, सौरभ जोशी है, ठीक है, किसी का वीडियो डाल देते थे, चैनल मोनेटाइज हो जाता था, आप पैसे छापते थे। अब YouTube स्ट्रिक हो चुका है, तो YouTube एक एक चीज ध्यान रखता है कि आप कर क्या रहे हो अपनी वीडियो में, आपका कंटेंट है या नहीं, किसी और का कंटेंट है। आप बड़े बड़े क्रिएटर को देख लो, वो भी अब आप यहाँ पर कोई भी क्लिप किसी का नहीं यूज करते, सिर्फ और सिर्फ फोटो यूज करते हैं। अगर मैं नाम बताना चाहूँ, न्यून मैन का देख लो, न्यूज बॉयज का देख लो, बहुत से ऐसे क्रिएटर है जो सिर्फ और सिर्फ फोटो यूज करते हैं। अब पहले वीडियो क्लिप यूज करते थे, आज फोटो, क्योंकि रिव्यूज कंटेंट आने का बहुत ज्यादा खतरा है। अगर एक बार रिव्यूज कंटेंट आ गया तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी रूल लागू हो चुका है, ठीक है, 3 महीने वाला रूल लागू हो चुका है। अगर आपका एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। अब इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना है, मान लीजिए आपने किसी का वीडियो आपको यूज करना है, ठीक है, किसी का भी क्लिप यूज करना है, तो आप करोगे कैसे। सबसे पहले जो बंदा, जो जिस बंदे की आप वीडियो ले रहे हो, ठीक है, जिस भी बंदे की वीडियो ले रहे हो, उस बंदे की वीडियो को पहले अपने गैलरी में सेव कर लो। जब आप वीडियो को सेव कर लोगे फिर उसको प्ले करना है, ठीक है, प्ले करना है, और साथ ही साथ आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना है, ठीक है। जब वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा, जो आप वीडियो प्ले कर रहे होगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, दोनों चीज रिकॉर्ड हो गया। अब आप बोलोगे भाई वॉइस की बहुत दिक्कत आएगी, देखो पूरा वीडियो है, ठीक है, जितना वीडियो आपका पार्ट आपको लेना है, ठीक है, वीडियो का उतना वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वीडियो है, ठीक है, उससे आप वहाँ वॉइस ले लो, जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है उसका वॉइस बंद कर दो, और जो आपका ओरिजिनल वीडियो है उसका वॉइस ले लो, और अपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसको हल्का सा जूम करके रिकॉर्ड करना, या फिर क्रॉप करके रिकॉर्ड डालना अपने चैनल पर, किससे एक तरीके का दिक्कत नहीं आएगा। चाहे आप इंस्टाग्राम पे डालो, चाहे फेसबुक पर डालो, या यूट्यूब पर डालो, किसी भी तरीके का अनओरिजिनल कंटेंट फेसबुक पर आता है वो नहीं आएगा, यूट्यूब पर रिव्यूज कंटेंट आता है वो नहीं आएगा, और इंस्टाग्राम पर किसी भी तरीके की जो पॉलिसी एरर आती है वो भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियोस आप बनाकर अपने चैनल पर डाल सकते हो, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है उसका फॉर्मेट और उसका जो मालिक होता है वो खुद हो जाता है, क्योंकि जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करोगे, ठीक है, किसी का वीडियो रिकॉर्डेड करके, रिकॉर्ड कर स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पे डालोगे, तो
और कभी भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती आपके चैनल पर, चाहो तो आप ये एक बार ट्राई करके देख लो। मैंने खुद ट्राई किया है, आप एक चैनल अपना बना लो, एक दूसरा बना लो, अपनी वीडियो अपने में डाल लो और देख लेना, वहां पर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने में वीडियो अपलोड किया और उसको क्रॉप किया है और एडिटिंग की है, तो वो वीडियो आपका हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्राई करके देखा है, इसलिए मैंने आपको बताया, और मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा और ये आपको करके दिखाऊंगा कि किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता, साथ ही साथ ना ही उस सामने वाले बंदे में शो होता है कि आपने उसका वीडियो लिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा था, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि आप कैसे वीडियो लोगे, वो भी मैंने बता दिया आपको। तो आई होप कि आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे, और वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मदद करेंगे तो हम ही करेंगे, पता है ना आपको, कोई मदद नहीं करता है। आप चाहे जितने मैसेज कर लो 100 कर लो, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहते हो, कमेंट करते हो, तो आपको 100% हम बता रहे हैं आपकी हेल्प हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर एक्टिव नहीं रहते हो, कभी कभी आते हो वीडियो पर, देखते हो, कमेंट करते हो, तो हम मदद नहीं करते, क्योंकि हम मदद उसी बंदे करते हैं जो हमारे चैनल का मेंबर है और सिर्फ उसी की हेल्प करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको वीडियो से मदद मिल रही, वीडियो से कर लो, अगर आप चैनल पर एक्टिव रहोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, इंस्टा पर फॉलो करोगे, तो आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी, और किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी वो मेरी दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है, वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। इसीलिए बोलता हूँ वाईफाई टेक्निकल चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये टेक चैंपियन सपोर्ट टेक्निकल टीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपको वहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत आ रही है चैनल पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर भी आपकी मदद की जाएगी, क्योंकि वो हमारे गुरु जी हैं और गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया है सारी चीज़ों का, मदद करने का लोगों की, तो मैं मदद कर रहा हूँ सबकी। तो आई होप दोस्तों आज वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये लाल वाला बटन है, इसको ईंटा मारो, पत्थर मारो, गुम्मे मारो, कुछ भी मारो, बस क्लिक हो जाना चाहिए, और जो घंटी वाला बटन है वो ऑन हो जाना चाहिए, जिससे कि हम इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको प्रोवाइड करते रहें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।